गाइस यार आपके ना कुछ बोलने से पहले मैं आपको बता दूं कि यार आई नो की वीडियो काफ़ी लेट आई है और वीडियो लेट आ रही है स्मार्ट सोर्स पे बिकॉज यार क्योंकि मैं अपने दूसरे वाले चैनल पे बिजी हूँ क्योंकि यार वहाँ पर ना मतलब हम आतंक मचा रहे हैं। अगर आप अभी तक उस चैनल पे नहीं गए तो यार क्या कर रहे हो, अभी जल्दी उस चैनल पे जाओ। और मुझसे ना बहुत सारे लोग बोलते भाई आपने एक रोस्टिंग चैनल बना दो, तो रोस्टिंग चैनल तो नहीं बनाया लेकिन जो मेरा नो योर सेल्फ वाला चैनल था ना उस पर मैं रोस्टिंग कर रहा हूँ और मतलब जितने भी इंस्टाग्राम पे छपरी निब्बे निब्बी है ना सबकी ले रहा हूँ मैं ढंग से। अगर आपने वो रोस्ट नहीं देखा तो यार क्या कर रहे हो, अभी डिस्क्रिप्शन में लिंक है जाओ और जल्दी से देखो, इस वीडियो को देखने के बाद देखना और वो वीडियो में ना मतलब आपको काफ़ी मज़ा आ जाएगा। और जैसे मतलब लोगों के रिस्पांस गया ना फर्स्ट रोस्ट पे, मतलब मेरा पहला रोस्ट था और जैसा रिस्पांस गया ना लोगों का उससे ये है कि मतलब आई थिंक कि मैं रोस्टिंग कुछ अच्छी कर रहा हूँ। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, अभी जल्दी से जाके देखो, अगर आपको अच्छा लगे तो कमेंट जरूर करना और उसको बताना कि यार आपको और भी आगे रोस्ट चाहिए या नहीं चाहिए और मतलब मज़ा ही आ जाएगा वहाँ पर। और फिर आगे तो मतलब मैं एक से एक रोस्ट लेके आने वाला हूँ, जितने भी जो निब्बी निब्बी आना सबकी प्रजाति जो है ना खत्म करने वाला हूँ। तो जल्दी से जाओ और देखो और जाके चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि वहाँ बहुत सारी जो तड़कती भड़कती वीडियोज है ना वो आ रही है। तो बेसिकली अब हम आते हैं इस वाले मुद्दे पर, तो अब यहाँ हम बात करने वाले हैं हाउ टू रिमूव सनटैन एट होम। बहुत सारे बंदे होते हैं ना उनके मतलब स्किन पर ना सन टैनिंग वगैरह बहुत ज़्यादा हो जाती है और पर्सनली मैं बताऊं तो मैं ना कुछ टाइम पहले मतलब बाहर धूप में घूमने लग गया था और मेरे धूप में घूमने की वजह से ना मेरे मतलब ऐसे फोरहेड पे मतलब ये वाला जो एरिया है वो तो मैं कवर कर लेता था हैंकी वगैरह लगा के, बट यहाँ पर फोरहेड पे या फिर हैंड पे और नेक वगैरह पर ना बहुत ज़्यादा टैनिंग वगैरह हो गई थी। यार उसके लिए मैंने कुछ चीज़ें ऐसे अप्लाई करी थी जो कि मैं आपको भी बताना चाहता हूँ और कुछ मैंने ऐसी होम रेमेडी अप्लाई करी थी जिसका जो रिजल्ट है मतलब मुझको पर्सनली काफ़ी अच्छा लगा और मतलब काफ़ी अच्छा जो रेमेडी है ना वो है। अगर आप भी यूज़ करना चाहो तो कर सकते हो, अगर आप अपने हाथ भी यूज़ करना चाहो तो कर सकते हो नेक पे, या फिर अगर आपका सामान वाला एरिया खाला हो चुका है ना या फिर उस पर टैनिंग हो चुकी। नहीं भाई उस पर टैनिंग कहाँ होती है, वो तो ढका रहता है, खोल के थोड़ा ना चलते हो गए। मस्त जोक मारा रे, ये हंस रहे अलकट हंस। मतलब जो भी बातचीत है अगर आप वो काला हुआ तो मतलब कहीं पर भी ये जो रेमेडी वो लगा सकते हो, उसका जो नेचुरल कलर वो वापस आ जाएगा और आप फेयर हो जाओगे थोड़े से। तो इसी को लास्ट देख देना, अगर आप इस ऐप ने उसको पहली बार देख रहे हो तो अभी इसे सब्सक्राइब करना, साथ में बेल आइकन उस पर टैप करना और इंस्टाग्राम फॉलो करना, मेरे थोड़ा सा फायदा हो जाएगा। तो हम बिना किसी देखिए इसको स्टार्ट करते हैं। यार इसके लिए ना हम सबसे पहले बात कर लेते हैं प्रिकॉशन की, क्योंकि यार अगर आपको प्रिकॉशन या फिर मतलब बचाव नहीं पता होगा ना तो यार आप कुछ भी करके उसको सही नहीं कर सकते, आपकी जो टैनिंग है रिमूव होगी, फिर जब आप उसको प्रिकॉशन नहीं दोगे तो फिर दोबारा से जो टैनिंग है वो हो जाएगी। सबसे पहले हम बात करते हैं कि आपको बचना कैसे सन टैनिंग से। नंबर फर्स्ट वहाँ पैसे वो है कवर योर बॉडी। अब यार यहाँ पर ना आपको अपनी जो बॉडी है ना उसको कवर करना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। काफ़ी सारे बंदे होते हैं ना ऐसे सौना बन के ऐसे छाती चौड़ी करके बाहर निकल देते हैं बिना अपने हाथ को कवर करे, बिना अपनी मतलब बॉडी को कवर करे, तो अगर आप ऐसा करते हो यार बिल्कुल भी सही नहीं है। ऐसे आपको सन टैनिंग है ना वो हो जाएगी फ्री में और सन आपसे काफ़ी दोस्ती बढ़ा लेगा, तो आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। जब भी आप ऐसे बाहर वगैरह जा रहे हो तो जितना भी एक्सपोज एरिया ना जो भी आपका जो एरिया है वो एक्सपोज हो रहा है सन में उसको आप ढक लो। मतलब अगर आपका फेस एक्सपोज होता है तो आप यार उस पर ना ऐसे हैंकी वगैरह यूज़ कर सकते हो या फिर अपने हाथों पर जो मतलब जो मैंने लगा रखा है ये भी आप यूज़ कर सकते हो, इससे जो सन है ना वो आपको बिल्कुल हाथ को कुछ भी नहीं कर पाएगा और सन टैनिंग भी नहीं होगी। और जब भी आप टी शर्ट शर्ट वगैरह पहन रहे हो तो कोशिश करो कि आप फुल बाजू की पहनो जब भी आप बाहर जा रहे हो, तो और जितना आप अपनी बॉडी को कवर करके रखोगे ना उतनी जो टैनिंग है वो आपको बिल्कुल भी नहीं होने वाली। और बेसिकली मैं आपको बताऊं कि यार जब मैं ना दिन भर ना ऐसे कंप्यूटर के सामने बैठ रहता हूँ मतलब पीसी के सामने बैठ रहता हूँ काम करने के लिए, तो उस टाइम पर जो हमारे पीसी से जो ब्लू रेज आती है, जो यूवी रेज आती है ना, उससे भी हमारी स्किन पर हमारे हैंड्स पर काफ़ी टैनिंग होती है। तो यार इसलिए मैं दिन भर ये चीज़ वियर करके बैठ रहता हूँ और इससे क्या होता है कि मतलब जो पीसी से ब्लू लाइट भी आ रही है ना, जो यूवी रेज आ रही है, वो मेरे हाथों को टैनिंग नहीं दे पाती, जो कि इसमें काफ़ी सही चीज़ है। अगर आप इसको चाहो बाय करना तो बाय कर सकते हो और मतलब काफ़ी सही चीज़ है, तो इसको बाय जरूर कर लेना। और अगर ऐसे ब्लू लाइट में घर पर रह रहे हो तो यार उससे भी टैनिंग वगैरह होती है, जरूरी नहीं है कि बाहर निकलोगे तभी होगी, तो नॉर्मल आप जो अपने फेस को अपनी स्किन को कवर करके रखा करो। नंबर सेकंड नंबर से वो है मॉइस्चराइजर। अब यार यहाँ पर आपका मॉइस्चराइजर भी यूज़ करना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और बोनस टिप मैं आपको दे दूँ कि जब भी आप कोई मॉइस्चराइजर अगर यूज़ कर रहे हो ना तो वहाँ पर आपको विटामिन सी या फिर आप उपटन वाला ले सकते हो। विटामिन सी से हमारी जो स्किन है वो ब्राइट होती है, आपको पता ही होगा, और उपटन से हमारी जो सन टैनिंग वगैरह वो रिमूव होती है, मतलब इससे भी हमारी जो स्किन है वो ब्राइट होती है। तो इन दोनों में से कोई भी जो एक मॉइस्चराइजर है वो आप ले सकते हो जो कि मतलब काफ़ी सही है और ये आपकी स्किन को ना मतलब सन टैनिंग से हटाने में काफ़ी हेल्प करेगा। तो अगर आप बाय करना चाहो तो बाय कर सकते हो और प्लस यार मॉइस्चराइजर जरूर यूज़ करना, नहीं तो अगर आप मॉइस्चराइजर यूज़ नहीं करते तो फिर जो टैनिंग है ना वो रखी की रखी रह जाएगी और आपकी जो स्किन है वो वैसी की वैसी रह जाएगी। और मॉइस्चराइजर हेल्प करेगा आपके ओरिजिनल स्किन टोन को वापस आने के लिए, तो मॉइस्चराइजर लगाना बिल्कुल ही मत भूलना और मॉइस्चराइजर जरूर वियर करना। नंबर थर्ड जो हमारे पास है वो है सनस्क्रीन। अब यार यहाँ पर ना सनस्क्रीन भी यूज़ करना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। काफ़ी सारे बंदे होते हैं भाई सनस्क्रीन वगैरह बिल्कुल यूज़ नहीं करते, ऐसे छाती चौड़ी करके बाहर निकल जाते हैं। अगर आप ऐसा करते हो भाई बिल्कुल ही मत करो, सनस्क्रीन वगैरह यूज़ करना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, नहीं तो फिर सन टैनिंग है ना वो आपके मतलब भर भर की हो जाएगी आपके चेहरे पर आपके हाथों पर, तो आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। और मतलब चेहरा अलग चमकेगा और हाथ अलग चमके तो भाई बिल्कुल अच्छा नहीं लगता वो। और आपको ऐसा भी नहीं करना कि यार सिर्फ चेहरे पर लगा रखे और अपने मतलब नेक पर नहीं लगाई अपने हाथों पर नहीं लगाई, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। अगर आप बाहर जा रहे हो तो यार जो सनस्क्रीन है वो अपने फेस पे भी लगाओ, अपने नेक एरिया पे भी लगाओ और अपने हाथों पे भी लगाओ और उस पर नहीं यार उस पर नहीं लगाते, तो जस्ट यहाँ पर जो सनस्क्रीन है वो आपको लगाना काफ़ी इंपॉर्टेंट है।
और कभी भी आप सनस्क्रीन अगर ले रहे हो तो यहाँ पर आप 40 से 50 SPF के बीच में रहनी चाहिए, वो काफ़ी सही रहेगा। और मेक श्योर हमेशा ना 3 घंटे के बाद जो सनस्क्रीन है उसको रिन्यू करो, क्योंकि 3 घंटे के बाद जो सनस्क्रीन का इफेक्ट है ना वो खत्म हो जाता है, और प्लस बाहर निकलने से 15 मिनट पहले आप उसको अप्लाई कर लो, काफ़ी सही रहेगा। नंबर 4 और वैसे वो है वाटर। अब यार ट्रस्ट मी और नॉट, बट अगर आप दिन में 4 से 5 लीटर वाटर रोज पियो ना, तो आप एक ही दो हफ्ते में रिजल्ट देखने वाले हो कि आपकी जो पूरी स्किन है वो काफ़ी ग्लो हो रही है, जितनी सन टैनिंग है ना वो काफ़ी रिमूव हो जाएगी, मतलब काफ़ी ग्लोइंग दिखाई देगी आपकी स्किन। तो यार इतना जो गोल्डन चीज़ है आप क्यों मिस कर रहे हो, मतलब पानी वगैरह पिया करो यार, फ्री में आता पानी पी लिया करो, कम से कम दिन में 4 से 5 लीटर वाटर पियो, और जब भी आप सुबह में उठते हो ना तो कम से कम 2 ग्लास वाटर जो है ना वो पियो, ल्यूक वार्म वाटर, इससे आपकी जो पूरी स्किन है वो काफ़ी हाइड्रेट रहने वाली है और आपकी स्किन काफ़ी ग्लोइंग करने वाली है। तो यहाँ पर तो हो गई प्रिकॉशन, जितने भी प्रिकॉशन थे मैंने आपको बता दिए। अब हम यहाँ बात करते हैं भाई इसकी रेमेडी क्या है, जल्दी रेमेडी बता दो, आई नो काफ़ी बंदे उतावले और मैंने बहुत टाइम बाद जो रेमेडी है ना मैं अपनी वीडियो में लेके आया हूँ। जैसे यहाँ पर हमको जो फर्स्ट चीज़ होता है वो है ग्राम फ्लोर, अब यार यहाँ पर ग्राम फ्लोर भी आपको ऐड करना है, मतलब बेसन। सेकेंड हमारे पास वो है रोज वाटर। नंबर 3 जो हमारे पास वो है लेमन ड्रॉप्स। अब यार यहाँ पर आप तीनों चीज़ों को ऐड कर सकते हो यहाँ पर, और तीनों चीज़ों को ऐड करने के बाद आपस में आपको मेल्ट करना है, और मेल्ट करने के बाद जहाँ पर भी आपको जो एरिया वो डार्क है या फिर जहाँ पर भी आपकी सन टैनिंग वगैरह हो चुकी है ना वहाँ पर इसको अप्लाई कर सकते हो। जरूरी नहीं सिर्फ आप हाथ पर अप्लाई करो, जहाँ पर आप अपने फेस पर भी इसको अप्लाई कर सकते हो, अपने नीज पर अप्लाई कर सकते हो, अपने नेक पर अप्लाई कर सकते हो, जहाँ पर भी सन टैनिंग हुई पड़ी है, जहाँ पर भी जो एरिया ना वो डार्क है वहाँ पर आप इसको अप्लाई कर सकते हो। और बेसिकली जब मेरी भी सन टैनिंग वगैरह हुई थी ना तो मैंने इसी को अप्लाई किया था, और यार रिजल्ट काफ़ी अच्छा मिलता है, और मतलब अलग ही लेवल की रेमेडी है ये। तो आप इसको यूज़ करो, आप इसको डेली यूज़ कर सकते हो या फिर आप एक दिन छोड़ के भी आप इसको यूज़ कर सकते हो, जो कि इसमें काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिलने वाला है, और आप कुछ ही दिन में आप नोटिस करोगे यार जो सन टैनिंग है ना बहुत जल्दी आपकी स्किन पर से खत्म हो जाएगी, और आपकी जो स्किन है वो मतलब जो नेचुरल स्किन टोन था ना वो वापस आ जाएगा, जो कि इसमें काफ़ी अच्छी बात है। और जस्ट यहाँ पर जो बात है ना वो यहाँ पर खत्म नहीं हुई है, जस्ट यहाँ पर आपको नेक्स्ट क्या करना है, यहाँ पर आपने जो रेमेडी है ना वो तो अप्लाई कर ली है, अब रेमेडी को जस्ट क्या करना है कि आपको 20 मिनट तक ऐसे छोड़ देना है, 20 मिनट के बाद जो आपकी रेमेडी वो ड्राई हो जाएगी, फिर उसको आप नॉर्मल वाटर से वॉश कर सकते हो। अब उसके बाद यहाँ पर आपको क्या करना है कि आपकी जो स्किन है वो थोड़ी सी मतलब ड्राई दिखाई देगी, तो उसको सही करने के लिए आपको जस्ट क्या करना है कि यहाँ पर आप बॉडी लोशन या फिर जो मॉइस्चराइजर है वो आप यूज़ कर सकते हो। अब बॉडी लोशन में भी आपको यही बोलूँगा या तो वो विटामिन सी का हो या तो फिर वो ओप्टन का हो सकता है, आप मामाअर्थ में जा सकते हो, मामाअर्थ में आपको मिल जाते हैं जो कि काफ़ी अच्छा परफॉर्म करने वाले हैं। तो जैसे आपको रेमेडी वॉश करने के बाद जो बॉडी लोशन है वो लगाना ताकि आपकी जो स्किन है वो हाइड्रेट रहे और प्लस जो सन टैनिंग है ना वो अच्छी तरह से हटने में हेल्प करे। जैसे यहाँ पर आपको इसको वॉश करने के बाद जो बॉडी लोशन है या फिर जो मॉइस्चराइजर है वो लगाना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जस्ट ऐसे जो आप अपनी सन टैनिंग रिमूव कर सकते हो, और यार ट्रस्ट मी और नॉट कुछ ही दिन बाद आप रिजल्ट देखोगे कि यार आपकी जो सन टैनिंग है ना वो मतलब काफ़ी हद तक खत्म हो जाएगी, और आप उसको नीचे खुद ही थैंक्स बोलोगे, थैंक यू सो मच भाई कि तेरी वजह से सन टैनिंग रिमूव हो गई और हम काफ़ी खुश हैं। तो आई होगा वीडियो पसंद आई होगी, अगर वीडियो पसंद आई वीडियो से आपको कुछ भी नया सीखने मिला तो यार वीडियो को भी लाइक करना, और आप इसे यहाँ पर ना उसको पहली बार देख रहे हो तो अभी सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन है उस पर टैप करना, क्योंकि ऐसे जो वीडियोज़ है ना हम लाते ही रहते हैं, और आपको फैशनेबल बनाना, आपको हैंडसम बनाना, आपको डेटिंग टिप्स देना, मतलब आपकी ग्रूमिंग को ऊपर लेके जाना मेरा काम है। तो अभी जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर लो अगर आप इस यहाँ पर नए हो तो, और इंस्टाग्राम भी फॉलो कर लेना, इंस्टाग्राम पे हम लाइव आ गए ना खूब बकचोदी वगैरह करते हैं, स्टोरी पे बकचोदी वगैरह करते हैं, जल्दी जल्दी आ जाओ पीछे करते हुए, फिर तो मजा ही आएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी या फिर आपको डिस्प्ले पर भी हैंडल शो हो रहा होगा। तो बस मिले दूसरी एक्साइटिंग वीडियो में, और मेरे रोस्टिंग चैनल जल्दी सब्सक्राइब कर लेना, मजा आने वाला है। बस मिले दूसरी एक्साइटिंग वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट।